यादव महासभा और ओबीसी महासभा के सैकड़ों युवाओं ने रैली निकालकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। ब्रेकिंग न्यूज, राजनगर खजुराहो। आज यादव महासभा और ओबीसी महासभा ने 22 सितंबर को छतरपुर में करनी सेना के कुछ अभद्र बात कार्यकर्ताओं ने यादव समाज को मां की गाली देकर समाज के लिए असहनीय कार्य किया, जिसको समस्त समाज सहित ओबीसी आक्रोशित है। आज सैकड़ों की तादाद में समाज के व्यक्तियों के साथ पहल वाटिका खजुराहो से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए खजुराहो थाना एवं राजनगर तहसील में SDM राजनगर थाना में ज्ञापन सौंपा। यादव महासभा और ओबीसी महासभा का कहना है कि जिन व्यक्तियों ने हमारे समाज के साथ माताओं बहनों की गाली दी और उनकी जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसी हरकत अन्य किसी समाज अथवा किसी भी जाति विशेष लोगों पर ना हुई। यह घटना समाज के लिए सहनीय योग्य नहीं है। अभद्र की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत कार्यवाही हो। करनी सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि जिन लोगों ने यह हरकत की उन पर कार्यवाही हो। आयोजन में मुख्य रूप से नितेश गुल्लू यादव, नांद पूर्व मंडी अध्यक्ष ब्रजेश प्रताप सिंह, ओबीसी जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल, चरण सिंह पटेल, केवल पटेल, भागीरथ पटेल, अरुण प्रताप सिंह, नरेंद्र यादव, अरिमदन यादव, भरत कुशवाहा, राजेश यादव, मोहित सिंह यादव, प्रहलाद यादव, आनंद यादव। बुंदेली न्यूज, चंदनगढ़, बमीठा। करणी सेना संगठन द्वारा छतरपुर में प्रदर्शन कर यादव समाज को मां की गाली जी जाने बाबत महोदय श्रीमान जी से निवेदन है कि करणी सेना संगठन के सदस्यों के द्वारा अशब्द भाषा में यादव समाज को जो मां की गाली दी, यादवों के लिए ज्ञापन दिया है और भी कई संस्थाओं के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं। कल क्षत्रिय महासभा ने भी इस कृत्य की घोर निंदा की है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं आगे? देखिए, यहाँ यादव समाज हो, कुशवाहा समाज हो, कुर्मी समाज हो, यहाँ पर 6,743 जातियाँ हैं जो कि पूरा पिछड़ा वर्ग है। अगर पिछड़ा वर्ग के किसी भी जाति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो एक यादव समाज नहीं, पूरी संपूर्ण जातियाँ, 6,743 जातियाँ एक साथ एक आवाज में और सबका जो भी चाहे अन्याय के खिलाफ कोई भी हो, ऐसा नहीं है हमें हमारी किसी जाति विशेष से कोई बुराई नहीं है। अन्याय जहाँ पर अन्याय अत्याचार होगा, कोई किसी की माँ बहन की बात करेगा, वहाँ पर वो भी